ये देखिए हिंदी मराठी हिंदी दीजिए। मुझे सर इसमें पापड़ बनाना है बिना ऑयल का, ओके जी सर। आपका ये 76 ऑटो कुक मेनू है, ओल्ड मॉडल है जी। अब मुझे ये पापड़ बनाना है बिना तेल का, बिना तेल का, बिना ऑयल का फ्राई करना है, ओके। मैं इसको अंदर डालता हूँ बिना तेल का, ओके। इसको मैंने दो रो लगाया, ओके। यहाँ सर इसका जो है फंक्शन से मोड कैसा सिलेक्ट करेंगे आप? देखिए बहुत ही बारीक दिखाई दे रहा है अंदर, इमीडिएट, ओके। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ माइक्रो, ये जो एरो है ये माइक्रो की तरफ आ गया यहाँ, ओके। ये माइक्रो, ओके। ये ग्रिल, ओके। ये कन्वेक्शन, ओके। ये कॉम्बी कॉलिब्रेशन, ग्रिल ग्रिल प्लस माइक्रो, माइक्रो प्लस ग्रिल। फिर सर इधर लेता हूँ मैं इसको, तो कन्वेक्शन प्लस माइक्रो होता है, ओके। ग्रिल प्लस कन्वेक्शन होता है, यानी दो मोड को एक साथ यूज कर सकते हैं, ओके जी। फिर यहाँ पे लिया सर, तो कन्वेक्शन डिग्री सेट होता है, ओके। जैसा केक, नान, खटाई, बिस्किट, बाटी बना सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल मैं माइक्रो पे आ गया, ये ठीक है, एक मिनट, ये माइक्रो पे आ गया, ओके। माइक्रो मीन्स बेकिंग प्लस कुकिंग, अच्छा। माइक्रो मीन्स बेकिंग प्लस कुकिंग, माइक्रो में आप बेकिंग और कुकिंग सब कर सकते हैं, ओके। रोटी छोड़ के आप सब बना सकते हैं। ये तिरंगे झंडे का सिंबल जो है ये माइक्रो का है, ओके। माइक्रो में आप टपरवेयर, बोरोसिल यूज करेंगे, सादा मिरर प्लास्टिक सिर्फ 3 मिनट यूज करेंगे। इसके अलावा आप मट्टी के बर्तन, लकड़ी के बर्तन, उड़न के बर्तन भी यूज कर सकते हैं आप, ओके। लकड़ी के, मट्टी के, उड़न के, मतलब हार्ड प्लास्टिक, हाँ हाँ, लकड़ी के, मट्टी के, उड़न के, टपरवेयर, बोरोसिल माइक्रो मोड में यूज कर पाएंगे आप, ओके। फिर इस एरो को अगर मैं घुमाऊं इस साइड, ग्रिल ईसीजी सिंबल, हार्ट रीडिंग का सिंबल अगर आता है, इसे ईसीजी हार्ट रीडिंग सिंबल बोला जाता है। ये ग्रिल, ग्रिल में आप रोस्टिंग कर पाएंगे, आप वेजिटेबल है ना, हाँ, पनीर कबाब, भुट्टा भून सकते हैं, किसी चीज को रोस्ट करना है और उसके अलावा कड़क करना है, क्रिस्पी करना है, तो ग्रिल, ओके जी। ग्रिल, ग्रिल में आप कड़क कर पाएंगे, वे किसी चीज़ को रोस्ट कर पाएंगे। ये कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में आप स्लो मोशंस कुकिंग, स्लो मोशंस कुकिंग कर पाएंगे। और बेकिंग, बेकिंग सबसे अच्छा और बेहतर होता है इसमें, जैसा कि केक, नान खटाई, बिस्किट, बाटी, ओके। और ग्रिल और कन्वेक्शन में आप स्टील, मेटल, जर्मन, पीतल, लोखंड, सोना, चांदी सारे पॉट यूज कर पाएंगे, ओके। जैसा कन्वेक्शन सिलेक्ट किया तो यहाँ से फिर ऊपर जाता हूँ मैं। ये कॉम्बी, ग्रिल प्लस माइक्रो, किसी चीज को रोस्ट करते हुए फ्राई करना है तो आप वो कर सकते हैं उसके लिए। एक्चुअली मैक्सिमम वो नॉनवेज के लिए यूज होता है। फिर इसके बाद कन्वेक्शन प्लस माइक्रो, यानी कि मुझे बेक भी करना है और उसको फ्राई भी करना है उसके लिए, ठीक है। फिर इसके बाद ग्रिल प्लस कन्वेक्शन में ये दोनों मोड एक साथ आ गए हैं, किसी चीज को रोस्ट करना है आपको और बेक करना है, अच्छा। तो ये दोनों कर सकते हैं। इसके अंदर आप स्टील, मेटल, जर्मन, पीतल, लोखंड, सोना, चांदी सारे पॉट यूज कर पाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद सर ये कन्वेक्शन का डिग्री है, जैसा कि हमारा गैस होता है स्लो एंड फास्ट, उसको आप कर सकते हैं। यहाँ मोड सिलेक्ट करने के बाद ये टाइम दिया है, देखो मैं मोड ही सिलेक्ट करके बता रहा हूँ आपसे। यहाँ से आप टाइम दे सकते हैं और यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, अभी मैं करके बताऊँ आपसे। ये 220 डिग्री आया, ठीक है, डिग्री है, जैसे अपना गैस होता है स्लो एंड फास्ट, ओके। यहाँ से फिर सर मैं इसको आपको पापड़ बिना ऑयल के बना के बताता हूँ। ये माइक्रो सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने 40 सेकंड दिया, सॉरी स्टार्ट किया, यहाँ से मैंने इसको 40 सेकंड दिया और स्टार्ट किया। ये 40 सेकंड में आपका पापड़ रेडी हो जाएगा, ओके। स्टॉप करना है तो यहाँ से कर सकते हैं आप, नीचे का बटन स्टॉप है, ये स्टार्ट है। और इसमें ये चीज़ जो दिया है 76 ऑटो कुक मेनू, ओके। ये 76 ऑटो कुक मेनू है, ये बताता हूँ मैं कैसा यूज होगा, ओके। 76 ऑटो कुक मेनू, ये सारे मोड में सिलेक्ट किया है, ब्रेकफास्ट, ये तंदूरी, ये हेल्थ प्लस, ओके। ये लिखा है बहुत बारीक लिखा है, धुंधला लिखा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, ओके। ब्रेकफास्ट, तंदूरी, हेल्थ प्लस, इसके अलावा ये दोनों नीचे दिए हैं, यहाँ पर फ्रेश और ये स्वीट कॉर्नर, ओके। ये देखिए पापड़ आपका रेडी हो गया है 40 सेकंड। 40 सेकंड।
बिना ऑयल के पापड़ बन गए। ओके, अब इसके बाद ये जो ऑटो कुक मेनू दिया है, ठीक है, ये 76 ऑटो कुक मेनू दिया है, ठीक है। अभी जैसा कि मुझे बनाना है, इसमें पोहा BF2 ब्रेकफास्ट दिया है, देखो एकदम बारीक दिखाई दे रहा है, आप देख पाएंगे तो पोहा लिखा एकदम बारीक पोहा BF2 ब्रेकफास्ट। ओके, ब्रेकफास्ट में देखना है मैंने। ओके, अब मैंने पोहा कैसा बनाना है, पोहा मैंने पूरा मिक्स करके रेडी करके अंदर रखा है। ओके, मुझे ब्रेकफास्ट में जाना है, ये वाला एकदम पहला ऑप्शन सिंबल। ओके, ये ब्रेकफास्ट में आ गया, मैं BF2 तक जाना है। ओके, बोरोसिल के बाउल में, टपरवेयर में, या तो मैंने प्लास्टिक में, या तो फिर कांच में, या लकड़ी उड़न में, या मट्टी के बर्तन में मैंने पोहा मिक्स करके रखा है अंदर, तड़का वगैरह सब मिक्स करके। यहाँ पे BF1 आया। ओके, 2 नहीं आ रहा इसको प्रेस करने से, 2 यहाँ से आएगा। ओके, इसको घुमाया, ये 2 आ गया, BF2 आ गया। ओके, फिर अब मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ, मैंने अंदर पोहा रेडी करके रखा है, स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। हाँ, 0.1 ये पूछता है कितना केजी है, 0.1 बोले तो 1000 को अगर 4 में डिवाइड किया, 0.1 250 ग्राम। ओके, फिर यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया। ओके, 0.1, 2 बोले तो 500 ग्राम, 3 बोले तो 750। ओके, 250 लिया और स्टार्ट किया। 7 मिनट में ये ऑयल फ्री पोहा आपको बना के दे देंगे। तड़का देना पड़ेगा आपको पहले वहाँ पर? हाँ, बाहर तड़का दे सकते हैं आप, या तो उसमें भी तड़का दिया जाता है माइक्रो मोड में, 3 मिनट में देना है, या ऑटो कुक मोड में, ये खुद आपको बना के देगा। ऑटो कुक मोड के जितने भी 76 रेसिपीज है, ये 76 ऑटो रेसिपीज है ना, ऑटो कुक मेनू की, ये खुद बना के देगा आपको। इसमें मोड और टाइम सिलेक्ट नहीं करना है, बी केयरफुली लिसन, ओनली टाइम भी नहीं देना है आपने, बी केयरफुली ओनली बोरोसिल का बॉल यूज करना है, या तो फिर उड़न का, प्लास्टिक का। ओके, अब मैं आपको बटाटा बिना वाटर के बॉयल करके बताता हूँ, बताइए। नाइफ दो, चाकू स्क्रैच करो, आप 1-2-3 ऐसा टच करो, ये अंदर रखा है मैंने। ओके, बिना पानी के अंदर रखने के बाद मैं इसको यहाँ से टाइम देता हूँ। देखो, अब मैं आपको डायरेक्ट सिलेक्ट करके बताता हूँ, एक ही बटन से मेरा काम होना चाहिए। माइक्रो भी सिलेक्ट हो गया, 3 मिनट भी दिया गया और स्टार्ट भी हो गया, इसको ऑटो स्टार्ट का बटन बोलते हैं। 3 मिनट में बटाटा आपका बिना वाटर के बॉयल हो जाएगा। ओके, आपको इसमें पानी भी नहीं डालना है, स्टार्ट भी नहीं देना है, ये ऑटोमेटिक ही, मैंने इसको 6 बार प्रेस किया, 30 सेकेंड के लिए ऑटो डिफॉल्ट होता है, 6 बार प्रेस किया, 3 मिनट भी आ गया, माइक्रो भी आ गया, स्टार्ट भी हो गया। इसी को जी बिल्कुल, ये मैंने ऑटो कुक मेनू बताया, सेम सब ऐसे ही है, 1-2-3-4-5। ओके, यहाँ से मोड सिलेक्ट करना है, अभी एक ही बटाटा आप 2 तरीके से बॉईल कर सकते हैं। अगर मैंने 3 मिनट दिया तो इसको कट करके सब्जी में यूज करेंगे आप, और 3.5 मिनट दिया तो पाव भाजी की तरह पूरा मैच हो जाएगा। ये पूरा वीडियो बन जाएगा, अच्छा रहेगा आपको जी, आपको भेज देंगे। हाँ, आपको भेजने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैडम को ज्यादा जरूरत पड़ता है, क्योंकि रेडी कर दिया है मैंने जी सर। अब ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं, मैडम को सेंड कर दूंगा, नहीं तो क्या होता है कि प्रॉब्लम हो गया, वो खराब है कैसा बना। हाँ, वो सही बात, वो बच्चे लोगों को, उनको हम बच्चों को बोल सकते हैं, बताइए देखो और चेक करो आप। आपके हाथ गीले हो तब टच नहीं करना है। अच्छा, गीले हाथ से नहीं करना, शॉक लग सकता। पानी
चपाती बस नहीं बनती, बाकी सब बन जाता है, सब बन जाता, ऑलवेज सब बनता है। ये हो गया बिना वाटर के, हमने इसको बॉईल किया। ओके, अभी इसको कट करके आप सब्जी में यूज कर सकते हैं, नहीं तो और 30 सेकंड ज्यादा दिया कि पाव भाजी की तरह मैच हो जाएगी। ओके, स्टॉप करो अभी।